अस्सलाम वालेकुम यार, गुलाम सफा सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको थीम पार्क कमर्शियल का ड्रोन व्यू दिखाने जा रहे हैं और आपको ड्रोन के ज़रिए यहाँ की डेवलपमेंट दिखाएंगे, यहाँ जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है आपको वो दिखाएंगे। हमने दीगर बार आपको यहाँ का स्ट्रीट टूर भी दिखाया और थीम पार्क कमर्शियल में बड़े प्लॉट्स होने की वजह से यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो प्लॉट साइज़ दिया गया है वो अराउंड 2000 स्क्वायर यार्ड से लेके 3000 स्क्वायर यार्ड तक यहाँ पे प्लॉट साइज़ दिया गया है। ये काफ़ी बड़े प्लॉट होने की वजह से यहाँ पे ग्राउंड प्लस 20 ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर तक भी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। इस टाइम पे आप वीडियोस में देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स जो है आपको ग्रे स्ट्रक्चर में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब हम इसकी प्राइसेस को डिस्कस करें तो यहाँ पे अराउंड आपको अगर ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको अराउंड 32,000 से लेके 40,000 पर स्क्वायर फीट का आपको रेट मिलता है और अपार्टमेंट की बात करें तो आपको अराउंड 9,000 पर स्क्वायर फीट प्लस माइनस आपको यहाँ पे रेट मिलता है। यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर शॉप दी गई हैं वो बेसिकली इनको ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनके ग्राउंड फ्लोर को मॉल में डिवाइड किया गया है। 3 से 4 फ्लोर्स यहाँ पर मॉल के दिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर 4 से 5 फ्लोर की एक अच्छी खासी पार्किंग दी जा रही है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। सुपरमार्केट भी यहाँ पे बनाई जा रही है, इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ फूड स्ट्रीट के नाम से भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो एक काफ़ी आने वाला जो 3 से 4 साल हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 से 3 बिल्डिंग्स को यहाँ पोजेशन हैंड ओवर हो चुकी होगी। और इस एरिया की खूबसूरत बात यह है कि एक तो ये मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और दूसरा जो है इसके करीब में आपको हॉस्पिटल मिल जाता है बहरिया का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। इसी तरीके से आपको ऑपरेशनल इम्तियाज़ मेगा स्टोर मिल जाता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक थीम पार्क मिल जाता है। तो इसके सराउंडिंग्स में जो एरिया है प्रिसन 19 का आ जाता है, अपार्टमेंट्स दिए गए हैं बहरिया टाउन की तरफ से, फुली अलाइव है वो। इसी तरीके से प्रिसन 2 का एरिया आ जाता है, वो फुली मुकम्मल तौर पे अलाइव है। इसी तरीके से इसके एक तरफ डेंजो कमर्शियल और दीगर कमर्शियल और उसके साथ साथ फार्म हाउसेज आ जाते हैं, जिनमें आप देखते हैं फार्म हाउसेज के अंदर अच्छे खासे फार्म हाउसेज बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक अलाइव एरिया है ये, यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैमिलीज इस टाइम पर रह रही हैं। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं अगर मेन जिना कमर्शियल के साथ, तो मेन जिना कमर्शियल के ऊपर प्लॉट साइज़ छोटा है, 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट दिया गया यहाँ पे, जबकि थीम पार्क के अंदर 2000 और 3000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पे जो प्राइस रेंज चल रही है ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि यहाँ पे शोरूम्स दिए गए हैं, मॉल नहीं बनाए जा रहे प्लॉट साइज़ छोटा होने की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर अराउंड हमें 70-75,000 पर स्क्वायर फीट से लेके ऑनवर्ड हमें 1 लाख पर स्क्वायर फीट तक का हमें यहाँ पे शोरूम मिलता है ग्राउंड पे। बाकी ऑफिस की प्राइस रेंज जो है वो डिफरेंट है, 12,000 से लेके 15,000 तक की रेंज में हमें, 15,000 पर स्क्वायर फीट तक की रेंज में हमें यहाँ पे ऑफिस मिल जाते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग बहरिया टाउन कराची, या फिर आप थीम पार्क के एरिया में अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।